आदमी लोग है ना बाजू में खड़े रह के चले जाते हैं और देखते हैं बहुत बढ़िया आई 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 थैंक यू सर मैम इधर अरे पीछे हो गया मैम अरे मुंडी जाए अरे पीछे टिंकू पीछे मुंडे में हट गया कैमरा हट रहा है टिंकू ये कुछ टिंकू पीछे हाँ बेटा हो गया ना तो इतना बड़ा अरे कैमरा आया करना पड़ेगा मतलब अरे टिंकू कैमरा पीछे लो यार देख ठीक है हाँ ठीक है ये पा खड़क एक्सक्यूज मी यस एंटर प्लीज अरे हिला मत चलो हाँ ओके थैंक यू सर जी लोग नहीं हम लोग भी जा रहे हैं जाने सर ये आइए आइए सर आइए हाँ हाँ एक्सक्यूज मी ये नश सर सामने एक्सक्यूज मी अरे सर तमोर चलिए चला चलिए एक मिनट सर सर यहाँ पर सर सामने चलिए ओके अरे मुंडे 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 सामने चलिए प्रदीप भाई अरे क्या ये सेंटर एक्सक्यूज मी यार सेंटर साहब इकड़े बहुत एक्साइटेड कल को भी मैंने देखा हुआ है इंडियन आइडल की टीम के साथ दीप जी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगी थी फिर से आज भी रिपीट करके देखने वाली तो बहुत ही एक्साइटेड कृष्णराज पूरी स्टार कास्ट के साथ में और भी लोग प्रीमियर है ये आपके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये डेब्यू है आपका तो क्या कहना चाहोगे कितना एक्साइटमेंट और कितना डर है डर तो है ही कल को रिलीज है आज प्रीमियर है और बहुत बहुत डर से भी ज़्यादा नर्वस से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरे गॉड से मेरे ऑडियंस से मेरे पेरेंट्स से मेरे प्रोड्यूसर से मेरे को एक्टर से सारे के सारे इस दुनिया से मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ फैंस के लिए कोई मैसेज क्योंकि कल मूवी रिलीज हो रही है जी कल को मूवी रिलीज हो रही है 23 सितंबर आप
काफ़ी प्यार और सपोर्ट तो पहले से ही मिल रहे हैं। आशा करती हूँ कि कल के रिलीज डेट में भी आपके प्यार ऐसे ही बरकरार रहेंगे। सो सी यू ऑन द थिएटर्स। आज की रात के बाद कल की सुबह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप एक सुपरस्टार बनने जा रहे हो, तो कितना क्या कह रहे हैं? क्या बनूंगी ये तो मुझे पता नहीं, मे भी उस चीज़ के लिए बोलते हैं ना बहुत ही बटरफ्लाइज हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कल की सुबह क्या लाने वाली है, तो फिर देखते हैं कल को क्या होता है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आइए। अरे मैडम कहाँ गई? एक्सक्यूज मी, डिनर? अरे ऑफिस के लिए फोटो ले लो, थोड़ा पीछे हो ना बेटा, पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। ए राजा, नेपाली बोल, नेपाली बोलो ना। आज तो मेरा सपना भी पूरा हो गया है, अभी बहुत मैंने इस बहुत जो पब्लिक का प्यार मिला है, जो दर्शकों का प्यार मिला है, मैंने बहुत बहुत मिस किया मेरा भैया छेदन गुरु को, जिस उन और मैं मिलके इसको डायरेक्शन किया था, सो उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। विश्व से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इंडिया से बहुत प्यार मिल रहा है, फिर बहुत खुश। और एक इधर भी संभालना है सर? नहीं डबल रोल कर रहा। ठीक है ठीक है, बोले सर भी पूरे इंडिया में एडवांस बुकिंग बहुत अच्छा लगा है, 1000 स्क्रीन से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिलीज है, और रिस्पांस जो आ रहा है ट्रेलर का, पिक्चर का, गानों का बहुत कमाल है, तो क्या कहना लगता है इंडिया में प्यार जो मिल रहा है कैसा लग रहा है? बहुत कुछ, मैंने तो इतना वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इंडिया से इतना ज़्यादा ढेर सारे प्यार मिलेगा, अभी जो एडवांस बुकिंग देखते हुए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इधर से तो और ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जितना मेहनत हमने किया इधर किया है मुंबई में बैठ के, इंडिया में बैठ के, उसका नतीजा मिल चुका है। सब दर्शकों के ढेर सारे धन्यवाद, और प्यार कीजिए, और दोस्तों को फैमिली को बोलिए कल से फिल्म रिलीज है, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बराबर है, जान दो अंदर, जान दो, हाँ बस कड़क। चलो अगर निवी ये ना ये प्रभात, ये साइड में ये ना प्रभात, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। चलो कम थोड़ा थोड़ा पीछे, कम तो पीछे, नो यू शुड बी, प्लीज 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 प्लीज, माय गॉड, ठंडी हवा कमी ऊपर से, सो लवली, सो खूबसूरत, साहब बिगड़े सर, पीछे विजय, वेलकम, वाओ, ये रहे जरा इधर से वो सर, हाउ वंडरफुल, कम थोड़ा थोड़ा पास में सर, सर यस यस कम थोड़ा, चलिए नाउ बाइक प्रभात जी, कम बाइक कपल का, चलिए रोल प्रभात, व्हाट इज दिस प्रेम गीत फिल्म जो काफी मुझे लग रहा है उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू देखने में मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभात बूम नीचे लेना, कॉन्फिडेंट शेयरिंग, और मुझे लगता है इनका अच्छा खासा फ्यूचर है, मैं चाहूँगा कि लोग जाकर देखें, नए लोगों को देखें, मैं इनका एक इनकी सुंदरता ही अलग है ऐसा मुझे लगता है ना, और कितने मासूम हैं ये लोग, इसलिए ज़रूर देखें, और लग रहा है ऐसा कुछ बड़ा बड़ी फिल्म।
ये देखना चाहूँगा आज के दौर में आपको जैसे पता है कॉन्टेंट की किंग है, बजट और स्टार्स की वैल्यू अगर देखा जाए अभी ऑस्कर्स में गुजराती फिल्म फेलोशिप भी है, क्या कितनी बड़ी बात है आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं इस फील्ड को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इवन कश्मीर फाइल्स और आर आर नहीं जा पाई जबकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्म थी, इतना ज़्यादा पैसा और नाम कमाई, फिर भी क्या कहेंगे इस चीज़ को? बात बूम नीचे लेना, मुझे लगता है वो जो चॉइस है कौन सी फिल्म भेजनी है, इसी फिल्म को दूसरी फिल्म के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अपनी जगह आर 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 रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, विदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, यहाँ पर कश्मीर फाइल्स ने जो एक किस्म से लोगों के इमोशन को जगाया, मुझे लगता है छेलो शो मैंने अभी देखी नहीं, पर जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी फिल्म भी आप अचानक से आपके अंदर कुछ ऐसा कर देती है, इम्पैक्ट कर देती है कि आप उससे बाहर नहीं आ पाते, इसलिए फिल्म का इम्पैक्ट होता है कोई छोटी और कोई बड़ी, जैसे दोनों को देख कर ऐसा लगता है कि कोई नया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस में जो हुनर है वो पता नहीं कितना गया है, तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चला। और सर बूम कैसे पकड़ कर रखा, कहाँ पर है किस वजह से? अच्छा राजू सर का निधन, अब मैं उनको तब से जानता था जब हुए थे, और याद मेरी ये भी है कि हम शूट कर रहे थे और तब वो एक नया अपना एक एपिसोड बना रहे थे जो खुद अपने जोक्स बनाते थे वाकई में, तो मुझ पर ट्राई कर रहे थे, तो मैंने कहा राजू भाई तुम बना रहे हो अपना जोक, आपके साथ एक कोशिश करने देखता हूँ, मिला ना कर रहा था, तो वेरी हार्ड वर्क वेरी फनी कहीं इंटीग्रिटी खोया हुआ आदमी नहीं था जब मैं बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा। सर आखिरी सवाल है सर, आपकी फिल्म को बहुत प्यार मिला दंगली चाल को, क्या कहना चाहोगे आपके कैरेक्टर को लव द फैन, क्या ऐसी फिल्में हिंदी में भी आएगी आपका जो? मुझे तो लग रहा है जैसे फिल्म एंड हुई थी दंगली चाल 2, दंगली चाल 3 हिंदी में आएगी, और हमारा जहाँ होर्डिंग लगा था ना वहीं इनका होर्डिंग लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्रेम गीत 3, तो मुझे लग रहा है कि इनकी वजह से मेरा भी दंगली चाल 3 आ जाएगा। लोगों ने उसको सराहा है और लोगों ने सराहा एक बात है जो डैडी है उनको बहुत पसंद आया, तो नाउ आई एम अगेन विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। सर आपसे चाहूंगा सर आया टाइम दे क्या बहुत दिन बाद में 500 वाली पिक्चर्स भी देखिए, और जैसे ऑस्कर्स और दूसरी पिक्चर्स बात अपना ही है, टेंशन मत लो, मेरे ख्याल से ना हमारा जी सब कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन ऑडियंस से प्यार मिले वो सबसे बड़ी अवार्ड हो, और आर आर पे इतनी जगह से ग्लोबली प्यार मिला, तो हम तो विश करते हैं उस तरीके का प्यार मिलेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने प्रेजेंस किया, थैंक यू सो मच। नीचे करो यार, कृष्णा आगे सुभाष जी ये इनकी वजह से आए हम, और इनका प्यार पता ही चलता है वो क्यों इनके साथ जुड़े, इतने प्यारे लोग हैं, मुझे लगता है लोगों ने इनको प्यार देना चाहिए, प्लीज इनको देखिए, थैंक यू सर। उन्होंने शिफ्ट कर दिया, 2 का 2 था वो 3 कर दिया और उसको अमेज़न वाले को 2 दे दिया। आइए अरे साहब बिगड़े हीरो
Looking very good. I'm not, but I'm going to be watching. Really nice. Really nice.